अरे ये क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? अरे ये तो मेरे ऊपर ही ना गिर जाए, मेरे को जल्दी जल्दी घर पर जाना पड़ेगा। ये हो क्या गया अचानक से, इतने बड़े बड़े पत्थर तो पहले कभी मैंने नहीं देखे। अरे लगता है आसमान से इतने इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर हुई है। अरे कोई है जो मुझे यहाँ से बचा ले? अरे मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? अरे मेरे को भागना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पर भी बड़ा पत्थर गिर गया। अरे मैं जाऊँ कैसे, अरे चला जाता हूँ यहाँ से, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अरे ये क्या, अरे अरे यहाँ पर भी मेरे ऊपर बड़ा पत्थर गिरने वाला है। अरे अरे ये अरे क्या हो रही है यहाँ पर, अरे मेरे को भागना पड़ेगा, अरे कोई तो बचा लो मेरे को। अरे मैं कैसे घर जाऊंगा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर। अरे यार क्या करूँ, अरे मेरे को किसी की मदद करनी पड़ेगी। अरे ये बच्चा रहा, अरे इसको यहाँ पर जल्दी से लेकर जाना पड़ेगा, और इस बच्चे को जल्दी जल्दी यहाँ से ले जाता हूँ। अरे ये क्या करूँ, अरे यहाँ पर इसे सेफ जगह पर अंदर लेके जाना पड़ेगा, वरना बड़े बड़े पत्थर इस पर गिर गए, ये तो यहाँ पर मर जाएगा। अरे मैं फाइनली इसे रख देता हूँ इधर। अरे ओए बच्चे, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे इन पत्थरों ने कुछ किया तो नहीं? अरे मेरे ख्याल में इसे कुछ नहीं हुआ। अरे थैंक यू, आपने मेरे को बचा लिया। अरे आप ना होते तो ये बड़े बड़े पत्थर मेरे पर गिर जाते। अरे आप कौन है? अरे आप बैटमैन है ना? अरे अंकल आप बैटमैन है ना, आपने मेरे को बचा लिया। अरे फाइनली आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अरे हाँ बच्चे, मैं बैटमैन हूँ, लेकिन ये किसका काम हो सकता है? मेरे ख्याल में ये काल का ही काम हो सकता है। अरे वो सामने कौन है? फाइनली ये सारी की सारी दुनिया काल तबाह कर देगा। देखा बैटमैन, कैसे मैंने बड़े बड़े पत्थर गिराए। तुम लोगों को क्या लग रहा था काल कमजोर है? मैं कमजोर नहीं, तुम लोग कमजोर हो, भी देखना क्या होगा। मरेंगे सब के सब मरेंगे। अब मेरी फौज भी इन लोगों को मार डालेगी। मेरी फौज तैयार हो जाओ। अरे बच्चे तुम यहीं पर रुको, मुझे इस तबाही को रोकना पड़ेगा। अरे क्या करूँ, अरे कहाँ से शुरू करूँ? अरे ये लोग, अरे ये तो यहाँ पर काल की फौज है, अरे इसे मुझे मारना पड़ेगा। ये लो, अरे बाकी लगता है काल की फौज यहाँ पर इसके पत्थरों की बरसात से मर चुकी है। अरे ये ले मेरी लेजर, अभी यहाँ पर भी होंगे। अरे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अरे कहीं पर वो बड़े बड़े पत्थर बच्चे पर ना गिर जाएं और वो मार ना जाए। अरे यहाँ पर ही है, अरे ये देखो कितने ही ढेर सारे हैं, इन सबको मैं जला कर राख कर दूंगा। अरे अगर इन्हें मारना तो ये वहां से जिंदा हो जाएंगे। अरे जल्दी जल्दी यहाँ से इन्हें मारना पड़ेगा। अरे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर अपनी लेजर से इन सबको जला कर राख कर दूंगा। अरे यहाँ पर तो मैंने आग लगा दी, अब ये सारे के सारे यहाँ पर जल कर राख हो जाएंगे। अरे फाइनली यहाँ पर तो पत्थरों की बरसात रुक चुकी है। अरे यहाँ पर मेटियर शॉवर हो रही थी, वो रुक चुकी है। अब जल्दी जल्दी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे बैटमैन अंकल कहाँ पर गए? उन्होंने तो मेरे को यहाँ पर रुकने के लिए कहा था ना। अरे मैं जल्दी से चला जाता हूँ। अरे मुझे भी यहाँ पर बैटमैन अंकल जैसा पावरफुल बनना है। अरे बैटमैन अंकल मुझे भी आपके साथ जाना है, और मुझे भी आप जैसा पावरफुल बनना है। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाएं। अरे मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि मेरे रास्ते में बहुत सारे खतरे हैं, और ये भी हो सकता है कि तुम मेरे इन खतरों में मारे जाओ। अरे नहीं, कुछ भी नहीं होता। अरे प्लीज मेरे को अपने साथ ले जाए ना। अरे यहाँ पर मैं देखो आपकी जान भी बचा सकता हूँ, जिस तरह आपने मेरी जान बचाई है मैं भी आपकी जान बचा सकता हूँ। अरे मैं सुपर हीरो हूँ, मेरी जान कोई भी नहीं बचा सकता। मैं यहाँ पर काफी पावरफुल हूँ, मैं लोगों की जान बचाता हूँ, तू छोटे से बच्चे मेरी क्या जान बचाएगा? अरे बच्चे साइड पर हट, मुझे यहाँ पर और भी काम करने हैं, यहाँ पर मेरे पास और टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे भागो। अरे क्या करूँ, अरे ये बच्चा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अरे यहाँ पर तो और भी काम है, इस काल को रोकना पड़ेगा, वरना तबाही हो जाएगी। अरे जल्दी जाऊँ यहाँ से। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे यहाँ पर आसमान से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, जो यहाँ पर बैटमैन अंकल पर गिर सकता है। अरे मेरे को बचाना पड़ेगा बैटमैन अंकल को। अरे बैटमैन अंकल, बच्चे यहाँ से, अरे बच्चे। अरे ये क्या हुआ, इतना बड़ा ट्रक, अरे ये मेरे पर गिर जाता मैं तो मर जाता। अरे बच्चे तूने मेरी जान बचा ली। अरे बैटमैन अंकल, इसलिए तो मैं कह रहा था मुझे आप अपने साथ ले जाएं, मुझे भी यहाँ पर पावरफुल बनना है, ताकि मैं भी लोगों की जान बचा सकूं जैसे मैंने आपकी जान बचाई। अरे ये बच्चा तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और पावरफुल भी रखता है, क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। अरे बैटमैन अंकल मुझे भी अपने साथ ले जाएं। अरे बैटमैन अंकल मैं भी आप जैसा पावरफुल बनना चाहता हूं, प्लीज ले जाए ना मुझे अपने साथ। ठीक है बच्चे, तुझे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, अगर तुझे मेरी तरह पावरफुल बनना है तो कुछ चैलेंजेस का तुझे सामना करना पड़ेगा। अरे मैं हर किस्म के चैलेंजेस के लिए तैयार हूँ, मुझे अपने साथ ले जाए प्लीज बैटमैन अंकल। ओके तो ठीक है, मेरे पीछे पीछे आ जा फिर। अरे बैटमैन अंकल आप मुझे ये कहाँ पर लेकर आ गए, ये कौन सी जगह है, इतनी ऊंची जगह पर आप मुझे क्यों लेकर आ गए? अरे बेटा तुझे यहाँ पर ही तो पता चलेगा कि तू यहाँ पर पावरफुल बनने के काबिल है कि नहीं, तुझे यहाँ पर बैटमैन की पावर चाहिए कि नहीं चाहिए ये अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर कुछ इम्तिहानात और कुछ चैलेंजेस हैं, वो तुझे करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि तू कितना ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी अब तेरे इम्तिहानात का टाइम आ चुका है,
अब यहाँ पर हमें बहुत कुछ करना होगा और तेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। अच्छा तो ये क्या है? अरे बैटमैन अंकल, ये क्या चीज है? इतने बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर क्यों ला कर रखे हैं? क्या मुझे इनको चलाना पड़ेगा? अरे नहीं, इनको चलाना नहीं है, तुझे इनको उठाना पड़ेगा। क्या तू इनको उठा सकता है? अरे 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 बाप रे, ये क्या? अरे बैटमैन अंकल, ये क्या बोल रहे हैं? मैं इन्हें कैसे उठा सकता हूँ? ये तुझे उठाना ही पड़ेंगे। अगर तुझे यहाँ पर पावरफुल बनना है तो तुझे इन ट्रक को उठाना पड़ेगा। तू उठा सकता है, तू यहाँ पर अपने माइंड को मजबूत कर, तू उठा सकता है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो मेरे को इनको उठाना ही पड़ेगा। अरे बैटमैन अंकल, आपने मेरे को ऐसा बोल दिया तो यहाँ पर मैंने उठा कर ही रहूंगा। अरे जल्दी से जाता हूँ, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ गाइस कि इन ट्रक को मैं उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता। फाइनली गाइस, अगर आप लोग चाहते हो मैं इस ट्रक को उठा लूँ तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे वाओ, अरे फाइनली इस ट्रक को तो मैंने उठा लिया। अरे जल्दी से फिर इस ट्रक को नीचे फेंक दे, जल्दी से कर। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे बैटमैन अंकल, ये देखें, ये ले मैंने इस ट्रक को, ये देखो दूर फेंक दिया। अरे फिर जल्दी से इसको वापस लेकर आ। अरे तूने इसको पकड़ना जल्दी से। अच्छा ये क्या? अरे ये क्या, पहले बोलते फेंक दे फिर कहते हैं यहाँ पर ले आ वापस। अरे यार मेरे को इसको लेकर आना पड़ेगा, ये है कहाँ पर? अरे ये नीचे जा रहा है। अरे मैं इसको उठा लेता हूँ जल्दी से। अरे फाइनली मैंने इसको उठा लिया। अरे अब जल्दी से वापस ऊपर लेकर आ, जिस तरह ये पड़ा हुआ था ऐसे ही तूने इस ट्रक को रखना है वापस। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे मैं कोशिश करता हूँ इस ट्रक को वापस ऐसे रख दूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे लेकर आऊँ? ये तो काफ़ी ज़्यादा वजनी है। अरे यहाँ पर तो ये भारी ट्रक को भी मैं ले आया। अरे यहाँ पर मैं रख देता हूँ। अरे बैटमैन अंकल, यहाँ पर रख दूँ? अरे हाँ, यहाँ पर आराम से रखना है तूने। अरे ये क्या हुआ, ये ट्रक तो फिर से गिर गया। अरे एक चैलेंज तूने कम्प्लीट नहीं किया, यहाँ पर तीन ट्रक हैं, तीन में से अगर एक ट्रक भी तूने रख लिया तो फिर यहाँ पर तू मेरी पावर्स के काबिल है। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो यहाँ पर मैं दूसरे ट्रक को उठा लेता हूँ। दूसरे ट्रक को मैं उठाकर यहाँ पर दोबारा से फेंकने वाला हूँ। अरे तूने फेंक दिया, जल्दी से इसे उठाकर वापस लाना है। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे ये ट्रक तो काफी तेजी से जा रहा है। अरे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, अरे पकड़ना पड़ेगा। अरे अरे ये कहाँ पर चला गया? अरे यहाँ पर दूसरा ट्रक भी मैंने यहाँ पर ना गुम कर दिया। अरे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक बचा है, अगर तुम यहाँ पर एक ट्रक भी सही सलामत यहाँ पर रख दिया तो तुम यहाँ पर मेरी पावर्स के काबिल हो, फिर तुम्हें मेरी शक्तियाँ मिल जाएंगी। अच्छा तो ऐसी बात है। अरे यार मेरे को अब आखिरी ट्रक है, आखिरी ट्रक को यहाँ पर फेंकने के बाद आराम से वापस लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा ट्रक तो गुम हो चुका है और पहला भी यहाँ से गिर चुका है, तो मैं जल्दी से वापस जाने वाला हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ बैटमैन अंकल। अरे ये कितना खतरनाक चैलेंज दे दिया मेरे को। अरे मैं तो समझ रहा था ये आसान चैलेंज होगा। अरे यार क्या ऐसे पावर्स मिलती हैं? अरे ये क्या, मैं तो यहाँ पर रुका ही नहीं, मैं नीचे आ गया। अरे जल्दी जल्दी वापस ऊपर जाना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ पर खेल रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मैंने चैलेंज दिया है, टाइम तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कम है। अरे फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब यहाँ पर यह आखिरी ट्रक रह चुका है। ये आखिरी ट्रक है, तुम्हें सही सलामत यहाँ पर दोबारा से इसे लैंड कराना है, तुम्हें इसे उठाना भी है। अरे यार ये तो काफी बड़ा और काफी वजनी ट्रक है। अरे ये क्या हुआ, ये तो मेरे साथ टकरते ही गिर गया। अरे यार मैं क्या करूँ, ये नीचे जा रहा है। अरे यहाँ पर तुमने इसे उठा लिया है, अब आराम से यहाँ पर लैंड कराना पड़ेगा। अरे ये क्या, यहाँ से मेरे को उठाना कर यहाँ पर लैंड कराना पड़ेगा? अरे 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 ऊपर प्लान था, अरे बचत हो गई। अरे मैं यहाँ पर आराम से लैंड करा देता हूँ। अरे राम राम से, यहाँ पर तो मैं रख दिया। अरे लैंड करने की कोशिश करता हूँ, वो फाइनली ये सही से लैंड हो गया मेरे से। अरे वाह, फाइनली तुमने आखिरी ट्रक को सही से लैंड कर दिया, यानी कि तुम ये कर सकते हो। यहाँ पर मुझे यकीन था कि तुम ऐसा कर सकोगे। अब तुम्हें यहाँ पर एक मिनट से पहले पहले ज़मीन पर जाना पड़ेगा, अगर तुम जा सकते हो तो यहाँ से कोशिश कर लो। अच्छा तो ऐसी बात है, यहाँ से मेरे को एक मिनट से पहले ज़मीन पर पहुँचना पड़ेगा। अरे यहाँ पर जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। अरे 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 फाइनली मैं पहुँच गया। अरे काफ़ी स्पीड से यहाँ पर मैं पहुँच गया। अरे वाह, फाइनली अब तुम्हें और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। काल की फौज आ चुकी है, चारों तरफ फैल जाओ। यहाँ पर तुम लोग मेरी बात सुन लो, कोई भी दिखे उसे शूट कर देना, यहाँ पर काल का ये हुक्म है, जल्दी करो जल्दी, रुकने ना पाए ये तबाही। अरे मैं यार यहाँ पर तो आ चुका हूँ, लेकिन ये सामने क्या है? अभी ये इतनी खतरनाक फौज, अभी ये किसकी है? लगता है ये काल की फौज है जिसके बारे में बैटमैन अंकल बता रहे थे। अरे जल्दी से इनको मारना पड़ेगा, अरे तुम लोग नहीं बचने वाले। अरे ये क्या, ये भी यहाँ पर आ गया, मार डालो इसे, रुकना नहीं, तुम लोग मारो इसे। अरे मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा छोड़ूंगा तो तब ना, अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये लो, एक एक को मारूंगा। अरे ये कितने ही ज्यादा है। अरे लेकिन मेरी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई है, जब से मैंने वो चैलेंज पूरा किया है मेरे पास तो खतरनाक पावर्स आ चुकी है और भी। अरे यहाँ पर तो मैं किसी को भी पंच मारूं वो तो काफी ज्यादा दूर चला जाता है, यानी कि यहाँ पर मैं कुछ कुछ यहाँ पर बैटमैन अंकल की मेरे को पावर्स मिल चुकी हैं। बच्चे रुक यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, अब देखना मैं यहाँ पर इनको कैसे मारूंगा। ये देख ऐसे लेजर से मारते हैं, देख मैं इनको कितने खतरनाक तरीके से मार रहा हूँ, ये सारे के सारे यहाँ पर मर चुके हैं। अरे ये ले, तू भी ले। अरे यहाँ पर देखो कितने ही ज्यादा हैं। अरे ये तो बैटमैन अंकल की आईज से कुछ चीज निकल रही है। अरे बैटमैन अंकल ये है क्या?
अरे ये मेरे पास काफी खतरनाक पावर्स हैं जो काफी ज्यादा मुश्किल से मुझे मिली है। इसे लेजर कहते हैं। ये लेजर यहाँ पर बैटमैन की सबसे स्पेशल पावर्स है जो फ्यूचर में स्पेशलिस्ट के जरिए मुझे मिली है। अब देख यहाँ पर बैटमैन इन्हें कैसे मारा है, सारे के सारे यहाँ पर मर चुके हैं। अरे वाओ बैटमैन अंकल, आपके पास तो काफी खतरनाक पावर्स हैं। आपने तो चुटकियों में सारे के सारों को यहाँ पर जलाकर राख कर दिया। सारे के सारे जलकर ना यहाँ पर आग का ढेर बन चुके हैं। अरे मुझे भी ऐसी पावर चाहिए, मैं भी इतना खतरनाक बनना चाहता हूँ, मेरी आंखों से भी यहाँ पर लेजर निकले। अरे बच्चे, अगर तुझे ये पावर चाहिए तो इसके लिए तुझे यहाँ पर वो स्टोन लाना पड़ेगा जो यहाँ पर काल की यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर है, क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर काल का कब्जा हो चुका है और वो उसे ढूंढ रहा है। अगर वो स्टोन तूने सबसे पहले ढूंढ लिया तो वो पावर काल से पहले तेरे को मिल जाएगी। अगर काल ने ढूंढ लिया तो वो काल को मिल जाएगी पावर। तुझे जल्दी करना पड़ेगा जो कुछ करना है। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर मेरे को जल्दी जल्दी उस मिलिट्री बेस के अंदर जाना पड़ेगा और जल्दी से वो स्टोन ढूंढना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ से जल्दी जल्दी फ्लाई करके यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर जा रहा हूँ। अरे ये रहा मिलिट्री बेस, जल्दी से मेरे को इस मिलिट्री बेस के अंदर जाना पड़ेगा और जल्दी से वो स्टोन ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ पर छुपा कर रखा गया है। अरे काल भी यहाँ पर ढूंढ रहा होगा, लेकिन काल से पहले मैं ढूंढ निकालूंगा वो स्टोन। अरे कहाँ पर होगा वो स्टोन, अरे कहाँ पर ढूंढूं, इतना बड़ा मिलिट्री बेस है। अरे मेरे को लग रहा है यहाँ पर होगा। अरे यार ऊपर वाला अगर चाहता है ये पावर्स मेरे को मिले तो वो स्टोन मेरे को मिल जाएगा जल्दी से। अरे कहाँ पर ढूंढूं, कहाँ पर ढूंढूं। अरे यार इस हेलीकॉप्टर में ना रखा हो, लेकिन इस हेलीकॉप्टर में तो है ही नहीं। अरे मैं कहाँ पर ढूंढूं, और यार किससे पता करूं। अरे क्या करूं क्या करूं, अरे मैं चारों तरफ यहाँ पर ढूंढ चुका हूँ लेकिन वो स्टोन मेरे को मिला नहीं। अरे कहाँ पर हो सकता है वो स्टोन। अरे एक मिनट, अरे मैं उस ऊंची वाली जगह पर जाता हूँ, हो सकता है वहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर भी ना हुआ तो फिर। अरे यार यहाँ पर तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा वो स्टोन है कितना सा और कितना होगा, ये तो बैटमैन अंकल ने मेरे को बताया ही नहीं। फाइनली वो दो जगह है, वहाँ पर मैं चला जाता हूँ, मेरे को लग रहा है इन जगह पर होगा। और यहाँ पर मुझे कोई चमकती चीज नजर आ रही है, अरे यहाँ पर ऊपर ही, अरे यहाँ पर तो मैं अंदर आ चुका हूँ। अरे ये रहा वो स्टोन, अरे नीचे ही पड़ा हुआ है। अरे जल्दी से स्टोन को उठा लेता हूँ। अरे ये मैंने स्टोन को उठा लिया, अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप मेरे पास भी ये पावर्स आ चुकी हैं। अरे यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ, अरे यहाँ पर ट्राई करता हूँ। ये मैंने आइस खोली और जोर से यहाँ पर पुश किया। अरे यार, अरे ये क्या, अरे मेरे पास यहाँ पर लेजर वाली पावर्स आ चुकी है, मेरी आइस से लेजर निकल रही है। अरे 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 ये कितनी खतरनाक है, अरे मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूँ। अरे यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सबको तबाह कर सकता हूँ। अरे ये पावर्स मेरे को मिल गई, यानी कि काल से पहले मेरे को ये पावर्स मिल गई, और ये लेजर वाली पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे फाइनली मेरे को ये पावर्स मिल गई। अरे चारों तरफ मैंने ढूंढ लिया लेकिन वो स्टोन मेरे को कहीं भी नहीं मिला। अरे कहाँ पर छुपा कर रखा है बैटमैन वो स्टोन, देख बैटमैन मुझे बता दे वो स्टोन कहाँ पर है वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे वो स्टोन जिसके हक में था उसे मिल चुका है, जिसको वो स्टोन की ज़रूरत थी वो मिल चुका है, क्योंकि स्टोन खुद ही ढूंढ कर उस बंदे को निकालता है जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल और नेक दिल होता है। अरे काल तू तो यहाँ पर शैतानों का शैतान है और इसलिए तेरे को वो स्टोन नहीं मिला, तेरी आंखों के सामने होते हुए भी वो स्टोन यहाँ से गायब हो गया। अरे मैं क्या करूँ, ये तो मेरे को काफ़ी खतरनाक तरीके से मार रहा है। अरे ये नहीं हो सकता, अरे यहाँ पर बैटमैन अंकल को ये नहीं मार सकता, और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। काल तू अब नहीं बचेगा, काल ये ले वो स्टोन फाइनली मेरे को मिल चुका है, ये देख मेरी आंखों से कितनी खतरनाक लेजर निकल रही है जो तेरे को तोड़ फोड़ कर रख देगी। अरे ये नहीं हो सकता, अरे ये स्टोन इस बच्चे को नहीं मिल सकता। अरे बच्चे ही वो स्टोन मुझे दे दे, देख मैं तेरे को हर चीज ला कर दूंगा। अरे वो स्टोन तेरे को नहीं मैं देने वाला, यहाँ पर मुझे तुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तेरे जैसा शैतान इस दुनिया में रहा तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। अरे काल अब वक्त आ चुका है कि तेरे पर यहाँ पर ना मैं अपनी पावर्स शो करूँ। अरे ये ले। अरे फाइनली वो पावर्स मेरे को मिल चुकी हैं और लेजर से भी मैं तेरे को तबाह पर बात कर दूंगा। अरे ये ले। अरे फाइनली मैंने इसे मार डाला लगता है। अरे यहाँ पर तो इसकी पावर्स कमजोर पड़ चुकी हैं। काल तू नहीं बचेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अरे छोड़ दे मुझे, अरे मार डालेगा मुझे क्या। अरे ये बच्चा तो काफी पावरफुल निकला, अरे तो बैटमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। अरे मार डाला मैंने इसे, अब मैं इसे अपनी लेजर से भी जला डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ये ले मेरी लेजर दे और जल कर राख हो जा तू। अरे ये क्या हो रहा है। अरे यहाँ पर मेरे बैटमैन अंकल कहाँ पर चले गए, अरे यहीं पर तो थे, लगता है काल ने उसने मार तो नहीं दिया। अरे बच्चे तूने फाइनली हम सबको बचा लिया और इस काल को भी तूने मार लिया और यहाँ पर मैं वापस आ चुका हूँ, क्योंकि वाहिद वो तेरी पावर्स ही है। जो स्टोन तूने लिया है वो स्टोन तेरे जिस्म के अंदर चला गया है और उस स्टोन ने मेरे को वापस यहाँ पर जिंदा कर दिया। अरे क्या वो स्टोन है, कौन सा था। अरे वो स्टोन सोइल स्टोन था जो यहाँ पर किसी भी इंसान को मार सकता है और मारने के बाद उसे जिंदा कर सकता है। अरे क्या, यानी कि वो पावर्स मेरे पास आ चुकी हैं, मैं किसी को भी मार सकता हूँ और फिर उसको मारने के बाद जिंदा कर सकता हूँ।
अरे मुझे यकीन नहीं आ रहा, फाइनली यहाँ पर तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। अरे फाइनली बेटा तूने बचा लिया यहाँ पर सारी दुनिया को। अरे मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। गाइज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब कर देना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।